आने वाले समय में ये सनातन क्या इंडिया में भी नहीं रह पाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा इस जज के खिलाफ में, और कहीं ना कहीं मेरा दिया हुआ श्राप इसको इंडिया से सीधा पाकिस्तान ही भेजेगा। अंधविश्वासों में नहीं चलता है, सबूतों पे चलता है, नहीं तो हम गुलाम हैदर को कहते हैं हम छोड़ के आएंगे इसको पाकिस्तान, पासपोर्ट हमारे पास भी, हम इसको छोड़ के आएंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बात आप नोट कर लो, ये सीमा हैदर को वकील साहब को जेल हो। भाई देखिए, हम तो श्राप देते ही हैं कि ये जिस तरह से उन चार बच्चों को किसी अपने पिता से दूर की है, इसका सत्यानाश हो, ये गली गली भीख मांगे। हम हैदर के जीजा जी जाए ना, साले ने भेजा तो नोटिस भेज दिया, साले ने नोटिस 11 करोड़ का, अब जवाब दो, दो अब जवाब दो। सीमा हैदर का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बिना आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुस के कैसे आप सही में आ सकते हैं कि पाकिस्तान के कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है, क्या जवाब भारत सरकार देगी, ये तमाम पहलियां है। लेकिन ये है, ये साफ है कि अब पाकिस्तान की सीमा हैदर इंडिया में नहीं रहेगी, नहीं रह सकती। कहां से लाएंगे 6 करोड़ रुपया? वो लप्पू दस हसीन जिसका मुंह देखो तो हंसी आए, वो देगा 6 करोड़ रुपए? केपी सिंह जी देंगे, जो वो साथ दे रहे थे, पता है कौन देगा? सीमा हैदर इस देश के लिए कलंक थी। एक शादी से तलाक ना हो सक हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, इनकी शादी तो हो गई यहाँ पे आगे जिनसे वहां। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं जे न्यूज। सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, 3 करोड़ सीमा हैदर को, 3 करोड़ सचिन को और 5 करोड़ एपी सिंह यानी कि सीमा हैदर के वकील को चुकाने पड़ेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो सीमा हैदर है उनके पहले पति गुलाम हैदर ने अपने वकील के द्वारा एक नोटिस जारी करके बता दिया है कि 6 करोड़ देने होंगे। सीमा जिस प्रकार से जबरन भारत में रह रही है और मेरे बच्चों को लेकर गई है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और यही नहीं 1 महीने के अंदर देने होंगे, वो भी माफी मांगनी होगी। बाल योगी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने पहले कहा था कि सीमा यहाँ ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, इनकी भविष्यवाणी सत्य होती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे बाल योगी जी? देखिये, ये सीमा हैदर का जो पकड़न था, जब से इस देश में ये आई थी, पहली बात तो ये लीगल है, ये भारत का संविधान भी कहता है कि जब तक आपकी एक शादी से तलाक ना हो सक हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, इनकी शादी तो हो गई यहाँ पे आगे जिनसे वहां तलाक ना हुआ। अब आज जो एपी सिंह है, जो भाजपा के फुल समर्थक है, जिनपे पुलिस ने तो ऐसे अगर कोई और पार्टी का नेता लेके आया होता, कोई आदमी पाकिस्तानी का सपोर्ट करता तो आतंकवादी हो गया होता, लेकिन भाजपा में रहते हुए उन्होंने सपोर्ट किया। और आज की स्थिति यह है कि जो मैंने कहा था कि ये ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह पाएगी, अब तो सचिन का भी बच्चा हो गया है। अब क्या होगा, सचिन का बच्चा किसके पास रहेगा? अब तो पूरे आसार है सीमा के रुकने के, इस हिसाब से बिल्कुल रुकने के आसार है। लेकिन 4 बच्चे पाकिस्तान के हैं, इसको भी हम वो नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है, क्या जवाब भारत सरकार देगी, ये तमाम पहलियां। लेकिन ये है, ये साफ है कि अब पाकिस्तान की सीमा हैदर इंडिया में नहीं रहेगी, नहीं रह सकती। कहां से लाएंगे 6 करोड़ रुपया? वो लप्पू दस हसीन जिसका मुंह देखो तो हंसी आए, वो देगा 6 करोड़ रुपए? केपी सिंह जी देंगे, जो वो साथ दे रहे थे, पता है कौन देगा? सीमा हैदर इस देश के लिए कलंक थी, जिसको अभी भी हमारे पास, हम हमारे भारत सरकार माने तो उसको चुपचाप इंडिया भेज दे, पाकिस्तान भेज दे, पाकिस्तान भेज दे अभी भी, नहीं तो आने वाले समय में ये मसला युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है। मतलब युद्ध करवा सकती हैं? बिल्कुल हो सकता है युद्ध, क्यों नहीं होगा, युद्ध हो सकता है और होगा ही, होगा ही। लेकिन हमारे पास पासपोर्ट है, कहो तो हम, हमने कहा था कि चलो हम छोड़ के आएंगे पाकिस्तान, लेकिन भारत, हमको ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट उस वक्त कई मुद्दों को दबाने के लिए सीमा हैदर को लाई है, मतलब पाकिस्तान से सीमा हैदर को लाने वाली ये भाजपा सरकार है, ये भी आप मान लीजिए, नहीं तो उसको इतना अच्छा वकील एपी सिंह ना मिल जाता। अब नोटिस आई है 6 करोड़ रुपए उनका, 3-3 करोड़ रुपए उनका, तीनों को, दोनों को आया नोटिस, 3-3 करोड़ सीमा सचिन और 5 करोड़ एपी सिंह, कुल मिला के 11 करोड़ की रकम देनी है 1 महीने के अंदर। अब
कहाँ से आए 11 करोड़। वो जो गाना रील बनती थी मेरे प्यारे सचिन, अब वो रील बनेगी? ये डांस गाना गाया था, अभी तो उनको पिक्चर में काम भी दे, इतने बेशर्म लोग हैं हमारे यहाँ के, इतने बेशर्म है। कोई उसको पिक्चर में काम दे रहा था, दो काम तुमको भी जुर्माना देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस आदमी के साथ उस वक्त भी गलत हुआ था, अब आज भी गलत हो रहा है। 12 साल संज्ञान मिले, चार बच्चे का मसला है, उसको तुरंत पाकिस्तान में। गुलाम हैदर के समर्थन में आप? बिल्कुल समर्थन, पाकिस्तान से है वो गुलाम हैदर। अरे मान लो अंजू भाग गई थी, यहाँ से अंजू भाग गई थी, तो क्या आप अंजू के समर्थन में नहीं थी? क्या जुर्म वापिस आ जाए, अपने बच्चों को संभाल ले? नहीं समर्थन में, जो जहाँ का है वो वापिस जाएगा तो खुशी तो होगी ना। किसी का घर बस जाए तो क्या किसी को दुखी है क्या? अब आस्था माँ को दुखी थी, आस्था माँ तो बहुत गाँव तक पहुँची थी। देखिए सबने इस माध्यम से, देखिए ये एक संस्थाएँ होती हैं, ये बाहरी लोगों को लेके आते हैं, गरीब मजलूम सीधे साधे सनातनी हिंदू से पैसा ऐंठते हैं, चंदा इकट्ठा करवाते हैं और सीमा हैदर का खेल खेल दिखाते हैं। ये सीमा हैदर तो एक मान लीजिए जो नाचने वाली बंदरियों नहीं होती, वही हैं। खेल दिखने के बाद जो ये एपीसी टाइप के आस्थामा हुई, ये सब इनके माध्यम से पैसा वसूलते हैं पब्लिक से, कंटेंट दे देके। लेकिन एपी सिंह ने तो बहन बताया था सीमा, तो देखिए राम मंदिर से लेके दिवाली भी मना लिया, करवा चौथ भी मना लिया। गुलाम हैदर के जीजा जी जाए ना, साले ने भेजा तो नोटिस, भेज दिया साले ने नोटिस 11 करोड़ का, अब जवाब दो अब जवाब दो। सीमा हैदर का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बिना आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुस के कैसे आप सीमा आ सकते हैं? उसके बाद आपका यहाँ स्वागत होगा, आप भाभी बन जाएंगी। आप सोचिए एक वो देश जिस पे हम लोग शक के बिना पे देखते हो, वहाँ से कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट बिना वीजा से 4 बच्चे लेकर इंडिया जाता है, कितनी आसान बात थी उस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर देखा जाए तो इस देश की राजनीति कहीं ना कहीं साफ नहीं दिख रही है। अब तो सीमा हैदर को सुना टिकट ही मिल रहा था एक टाइम पे कि भाजपा टिकट दे रही सीमा हैदर को, तब क्या था, तब भी तो था ना। अच्छा तो आपने श्राप दिया था, इस बार भी क्या आप श्राप दे देंगे सीमा को? भाई देखिए हम तो श्राप देते ही हैं कि ये जिस तरह से उन 4 बच्चों को किसी अपने पिता से दूर की है, इसका सत्यानाश हो, ये गली गली भीख मांगे, ये गली गली भीख मांगे। लेकिन गुलाम प्यार नहीं करता था, परेशान करता था, कह रही थी चार बच्चे खेलने में हो गए, 4 बच्चे हुए हैं, मजाक थोड़ी ना है। अरे एक वाले में प्यार नहीं हुआ, दूसरे में प्यार है, 4-4 बच्चे बिना प्यार के हो गए। और सीमा हैदर की जो हिस्ट्री पाकिस्तान की रही है वो एक नचनिया थी। हम ये नहीं कहते कि उनके पेशे को हम गलत ठहराते हैं, लेकिन उनका जो आचार विचार था वो ठीक नहीं था। लेकिन सचिन को पसंद है उनका आचार विचार पहनावा, इवन सचिन को 3 करोड़ भी पसंद होना चाहिए, बेबी को बेस पसंद है, अब लो बेस चक्कर में 3 करोड़ रुपया देना पड़ेगा उनको, ये जान लो 3 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। अब 3 करोड़ पर सीमा का, अब जाए अपने साले के पास, अपने वकील के पास जाए, कहें 2-6 करोड़ रुपया 11 करोड़ रुपया, तो कहीं ना कहीं। अब सोचिए जो आदमी इंडिया से वकील करके नोटिस भिजवा सकता है, वो सीमा हैदर को सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवा के वापस भी करवा सकता है। आप ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीमा हैदर इंडिया छोड़ के पाकिस्तान अपने पति के पास जाएगी ही जाएगी। लेकिन वो जाने की इच्छुक नहीं है, जबरदस्ती उसे कैसे रख सकते हैं? वो कह रही तलाक दे दिया था मैंने, तलाक के नोटिस दिखाए, तलाक का कागज दिखाए। यहाँ कोर्ट अंधविश्वासों में नहीं चलता है, सबूतों में चलता है। नहीं तो हम गुलाम हैदर को कहते हैं हम छोड़ के आएंगे इसको पाकिस्तान, पासपोर्ट हमारे पास भी, हम इसको छोड़ के आएंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बात आप नोट कर लो, ये सीमा हैदर को वकील साहब को जेल होगी, क्योंकि उनके ऊपर ये उनको एक उस देश से महिला बुलाकर जहां से आतंकवादी गतिविधियां हो उस गतिविधियों में शामिल होकर आप उसका बचाव कर रहे थे, वो आपकी बहन थी, फिर सचिन का बच्चा भी है, तो अदालत को फैसला कहीं ना कहीं सीमा हैदर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सजा भी मिलेगी, पाकिस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन की सजा मिलेगी, क्योंकि बिना तलाक दिए जब मुसलमानों में जो होता है वो हलाला होता है। हलाला का मतलब ये है कि जब किसी पत्नी अपने पति को बिना छुए
किसी और से शादी कर लेती है और उससे कुछ बच्चा अच्छा हो जाता है तो दोबारा वो उससे शादी नहीं कर सकती। वो तो शुक्र मानो कि गुलाम हैदर आज भी बुला रहा है सीमा को, तो ये जाना चाहिए हराम होता है, वो हराम होता है। तो आप सोचिए ये चीजें उन्होंने हराम काम कर दिया फिर भी वो बुला रहा है, तो उस आदमी का जिगरा देख लो। तो अच्छा सीमा, आखिर में अगर आपको सीमा सचिन तमाम लोग देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे सीमा सचिन को? देखिये इन दोनों को तो जूते मार मार के रोड से भगा देना चाहिए, और सीमा हैदर चार बच्चे जो उनके पिताजी हैं उनके पास तक ले जाना चाहिए। पहले तो पुलिस जाकर उन बच्चों से पूछताछ करे कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं, कि ऐसे तो नहीं उनको मारा जा रहा हो, डराया जा रहा हो, अपने पिताजी से मिलने की रोका जा रहा हो। बाल योगी जी आप खुश नहीं है क्योंकि सीमा तो अब सीमा सचिन मीना बन गई, कह रही हैदर नहीं, अब हिंदू बोलिए मुझे, सनातनी बोलिए मुझे। ऐसे पाखंडियों को हम ऐसे वसीम रिजवी को हिंदू नहीं बोले, वैसे इनको भी नहीं बोलेंगे। चार चार हिंदू धर्म की परंपरा जानती हैं क्या है कि उसी पति के साथ हती हो जाना है, कहीं भाग नहीं जाना है। इन्होंने किस तरह से पति पत्नी धर्म का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन में किसी को भी एंट्री ऐसे नहीं मिल जाती, लेकिन हमारे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने उनको एंट्री दिया, लेकिन आने वाले समय में ये सनातन क्या इंडिया में भी नहीं रह पाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इस जज के खिलाफ में, और कहीं ना कहीं मेरा दिया हुआ श्राप इसको इंडिया से सीधा पाकिस्तान ही भेजेगा, ये लिख लो आप।